हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों का भी नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं आ रहा है या किसी कारण आपका भी नाम आयुष्मान कार्ड से कट गया, आप बना नहीं पा रहे हैं, आज की इस वीडियो को पूरी डिटेल में देख लीजिएगा। पूरी प्रोसेस के साथ आज का वीडियो लेके आ गया हूँ कि अगर आपको राशन कार्ड में भी नाम नहीं है और आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है तो आप लोगों को कैसे बनाना है और एक आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊँगा फुल्ली KYC के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ वो घर बैठे ही आप आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में भी बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे देख कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी प्रोसेस के साथ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि घर बैठे ही फ्री में मात्र आप वन क्लिक में ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जो लोग का भी अभी नाम नहीं आया वो भी आ चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कि आपको गूगल में आना है, जैसे गूगल में आएंगे तो यहाँ पे सर्च करना है PMJAY, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे PMJAY और इसको सिंपली सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो आपको पहला वेबसाइट मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑप्शन पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड देश हो रहा है आयुष्मान, बाकी सब तो देख सकते हैं कि कितना हॉस्पिटल में एक्सेप्ट है, जितने हॉस्पिटल में इशू की कितना जो कि आयुष्मान कार्ड अभी तक इशू कर दिया गया है, कितने में तक अभी तक मरीज को किया गया, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को करना क्या दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके ऊपर आप लोग सिंपली क्लिक कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड बेनिफिशियरी का नंबर आएगा, जहाँ पे बेनिफिशियरी और जो कि ऑपरेटर का ऑप्शन आएगा, जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर छोड़ देना है। बाकी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP दोस्तों यहाँ पर डालना है, ठीक है। OTP डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक इंटर कैप्चा कोड आएगा, इस सिंपली क्लिक कर देना, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PMJAY ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे PMJAY है, PM केयर्स है, नमस्ते आयुष्मान केयर्स है, तो आप PM जो छोड़ देना है। बाकी हम लोग PM कार्ड बनाना है, आपका स्टेट यहाँ पर चॉइस करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। PMJAY स्कीम में दोस्तों आस्था हो गया, BOC और दीनदयाल उपाध्याय हो गया, तो जो भी PMJAY है तो दोस्तों उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों नीचे सबसे नीचे में PMJAY है तो इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आशा भी देखने को आपको मिलेगी और दोस्तों BOCOW मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि BOCOW क्या है, बाकी दीनदयाल उपाध्याय क्या है, PMJAY क्या है। तो आप लोगों को दोस्तों सिंपली आप लोग कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला ऑप्शन को ऊपर जाना है, क्लिक कर देना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाले में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्च बार में जो भी आपका ऑप्शन आएगा, जैसे कि आधार आएगा, Family ID आएगा, नेम आएगा, लोकेशन आएगा, लोकेशन अर्बन होगा, रूरल का होगा, PMJAY होगा, जो भी है। अगर PMJAY आपको बन गया, अगर उससे भी निकालना चाहते तो निकल सकता है, आधार कार्ड है तो उससे भी निकल सकता है, Family ID मतलब दोस्तों आपका राशन कार्ड है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन अर्बन में जो भी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे PMJAY की, जो कि यहाँ पे रूलर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको विलेज आ जाएगा, विलेज को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सपोज भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी गांवों का नाम, Family ID सहित जो भी है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को देख सकते हैं, अगर आपका इसमें नाम है तो सिंपली इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, बाकी आपको अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। दोबारा आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, कि आप लोगों को सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं लोग भी है वो वेरीफाई जो कर रहे हैं, अप्रूव जिनका जिनका हो गया वो सामने आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद, अगर दोस्तों जिन लोगों का KYC नहीं हुआ है, जैसे कि दोस्तों ये PDF देख सकते हैं, तो PDF को भी सेव करके रख सकते हैं, कितने लोगों का बना हुआ है, कितने लिस्टेड में है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली इसको सिंपल सेव कर लेना है। सेव करने के दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हमारा अगर नाम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपल करने के बाद दोस्तों नीचे में आप लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन कोने में एक मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जिन लोगों का अप्रूव है, तो जिन लोगों का अप्रूव है वो लोग का तो बन गया है। अब दोस्तों आप लोग को सिंपली यहाँ पे अगर जो भी आयुष्मान कार्ड होगा यहाँ पे दिखाएगा, सिंपली जिनका बना होगा वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जैसे कि एक नई बात दिखा रहा है, दूसरा डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, इसके ऊपर आप लोग सिंपली क्लिक करना है।
जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ की तरफ का और डाउनलोड की तरफ का, ठीक है। जिनका नहीं बना है वो यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। जिनको वेरीफाई करना पड़ेगा बनाने के लिए सिंपली अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के ऊपर में जैसे कि आधार OTP सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड मोबाइल में लिंक होगा उसके ऊपर OTP आएगा, ठीक है। OTP यहाँ पर डालिए, बेनिफिशियरी OTP यहाँ से डाल दीजिए। उसके बाद ऑथेंटिकेट के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। सिंपल दोस्तों प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो कि यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, जो कि आयुष्मान कार्ड। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सब कुछ अप्रूव हो गया है। अप्रूव होने के बाद दोस्तों आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए इनका बना हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आपके नीचे आपका कार्ड व्यूअर आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करने का भी ऑप्शन नीचे में मिल जाएगा। ऑप्शन में मिलने का दोस्तों सिंपल यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने भी देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग को इसको कार्ड बनाना है तो कहीं भी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसको निकाल के कार्ड बनवा सकते हैं, या जनसेवा केंद्र पर आप लोग निकलवाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे आभा कार्ड और आपका जो PMJYD दोनों आपके मेंशन भी रहेगा, आपका इस QR स्कैन जो कि आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कहीं पे बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आप घर बैठे भी बना सकते हैं और बाकी आप कहीं भी जनसेवा पर भी जाकर बनवा सकते हैं। जैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को दिखाया कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसका KYC की जाती है और कैसे आप उसको वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताया। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो आज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।